हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। सो फिजिकल ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर रहे थे, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, उसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ द सेम टॉपिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि लेट्स से एक पर्टिकुलर शिप है जो कि एल्यूशन आइलैंड से मूव करती है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, मतलब ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज से मूव करना स्टार्ट करती है और 180 डिग्री का जो मेरिडियन है उसको बेसिकली क्रॉस कर लेती है लेट्स से। तो और मान लेते हैं कि उस दिन का टाइम जो है, जो डेट वगैरह मेंशन है, वो है 1 जनवरी 1999 और टाइम हो रहा है रात के 11:30। ठीक है, सो बोल रहा है कि अगले दिन एक घंटे बाद जब डे चेंज होगा तो कैप्टन अपने डायरी में क्या टाइम या डेट नोट करने वाला है, ये पूछा है। मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है सिंपल वर्ड्स में। नाउ सिंपल वर्ड्स में बस आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, लेट्स से अगर ये GMT है, ठीक है, यानी कि या फिर 0 डिग्री है, सिंपल वर्ड्स में, सॉरी GMT नहीं है, आपको ध्यान रखना है प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री है, बस 180 डिग्री है, ध्यान रखना है आपको। अगर 180 डिग्री है, कोई भी शिप अगर ट्रैवल करती है और ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड में जाती है तो हमेशा दिन ऐड होता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा उसको, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अगर कोई वेस्ट से ईस्ट जाएगी तो वो एक दिन लूज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 1 जनवरी को कोई यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और ट्रैवल करता है, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी के बाद वाला 2 जनवरी वो मिस कर जाएगा और डायरेक्टली 3 जनवरी को पहुँचेगा। सिंपल वर्ड्स में मतलब 1 जनवरी के बाद डायरेक्ट 3 जनवरी आएगा, 2 जनवरी बीच गायब हो जाएगा। बट अगर लेट्स से कोई 1 जनवरी को यहाँ से चलना स्टार्ट होता है तो क्या होगा, इस तरफ अगर वो टाइम से ट्रैवल करता है तो देखो पूरे का पूरा एक दिन वो लूज कर जाएगा। बिकॉज देखो यहाँ पर टेक्निकली होना चाहिए था 2 जनवरी अगर अगले दिन पहुँचता है तो, बट यहाँ फिर से उसको 1 जनवरी ही मिलेगा, फिर से उसको 1 जनवरी मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई अगर जैसे मान लो 1 जनवरी को यहाँ से चलता है वेस्टर्न साइड से और ईस्टर्न साइड में जाता है, तो टेक्निकली मान लो अगर वो अगले दिन पहुँचता है 24 घंटे बाद पहुँचता है तो उसको 2 जनवरी मिलना चाहिए था, बट 2 जनवरी नहीं मिलेगा उसको, 3 जनवरी मिलेगा डायरेक्टली, मतलब वो एक दिन पूरा लूज कर जाएगा। बट अगर कोई ईस्टर्न डायरेक्शन में है, मान लो 1 जनवरी को चलता है तो 24 घंटे चलने के बाद उसको 2 जनवरी मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज उसको फिर से 1 जनवरी मिल जाएगा, मतलब वो फिर से एक दिन और ऐड हो जाएगा उसके लाइफ में, सेम डे फिर से ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इतना समझ पा रहे हैं। सेम चीज़ हमारे पूछा गया है, बोल रहा है अगर एक शिप जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, मतलब कैसे मूव कर रही है, ईस्ट से वेस्ट मूव कर रही है, तो बोल रहा है कि रात में 11:30 बज गए हैं, 1 घंटे के बाद टाइम क्या होगा। तो देखो 1 घंटे के बाद टेक्निकली क्या हो जाना चाहिए, सुबह के 12:30 हो जानी चाहिए, मतलब रात के 12:30 बजे, तो रात के 12:30 बजे तो हो जाएंगे, पर डेट क्या रहेगी ये देखो। बिकॉज देखो दो ऑप्शन है, 1 जनवरी रात के 12:30 बजे या फिर 2 जनवरी रात के 12:30 बजे। मैंने आपको बताया अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो क्या होगा, आपको डे मिलेगा फिर से, मतलब अगर आप 1 जनवरी को चले हो तो फिर से वहाँ पर 1 जनवरी आ जाएगी। मतलब आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी ऑब्वियसली ए, यानी कि 1st of January। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझ आ गई। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, शॉर्ट में फिर से समझिए, कोई पीपल जो कि वेस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं, उनके वेस्टवर्ड मतलब इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, उनको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, और जो ईस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं उनका एक दिन लूज होता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बाकी कुछ आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और लेट मूविंग है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि 2001 के अंदर पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल। किसने सबसे पहले बोला कि स्फेरिकल है अर्थ, सिंपल आंसर इज एरिस्टोटल। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, एरिस्टोटल। ये सब देखो ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत मुश्किल है कि दोबारा पूछे जाएंगे, बट स्टिल बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड सो वी आर डिस्कसिंग इट। तो ध्यान रखिएगा इसको एरिस्टोटल ने बोला था। ऑलराइट, एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम थी ऑन दी हेवंस। ऑन दी हेवंस में उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि अर्थ जो है प्लेन डिस्क की तरह नहीं है जैसा सूर्य जा रहा है, रादर अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल है, और उसको सपोर्ट में उन्होंने कुछ एविडेंसेस वगैरह भी दिए थे। वही सब बताया था कि अगर एक शिप है, शिप अगर यू नो एक पर्टिकुलर दूर से चला जाता है तो क्या होता है, ऐसे जाता है, मतलब शिप चला जाता है लेकिन उसका हल अभी भी दिख रहा होता है, मतलब जो उसका मास होता है अभी भी दिखाई दे रहा होता है। फिर तो उसके बाद मून के ऊपर जो शेडो आता है वो राउंड शेडो है, ये सब चीज़ें मतलब कुछ एग्जांपल्स दिए थे। पर ध्यान रखना, एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बोला था कि अर्थ क्या है, अर्थ स्फेरिकल है, प्लेन डिस्क नहीं है। ऑलराइट, मूविंग हेड, 2001 में एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन सेज इफ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजन बाय एन ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है कि सामने से ऐसे उठ रहा है स्टार, अगर उठ रहा है उसका मतलब क्या है, वो पर्सन कहाँ प्रेजेंट है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके परपेंडिकुलर में कोई स्टार अगर इमर्ज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप खुद इक्वेटर में प्रेजेंट है। बिकॉज देखो अगर आप पोल पे होते ना तो ये चीज़ क्या होती, इस तरीके से मूव करती, ठीक है, सेम नॉर्थ पोल होते, साउथ पोल कहीं पर भी होते तो आप ऐसे मूव करते, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहीं भी होते तो आपको ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देता स्टार। बट बिकॉज आप खुद इक्वेटर पे हैं, इक्वेटर पे होने के कारण अर्थ का जो यू नो वेलोसिटी है वो आपके ऊपर का सबसे कम लग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप स्टार को अपने सामने परपेंडिकुलर राइज होता हुआ देखेंगे। बस इतना ध्यान, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बस आप इसको ट्राई कीजिए याद कर लेने का, अगर स्टार्स परपेंडिकुलर राइज हो रहा है इसका मतलब है कि आप इक्वेटर पर प्रेजेंट हैं, दैट्स इट। ठीक है,
अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक का नाम होता है सेलेस्टियल इक्वेटर, एक का नाम होता है अर्थ इक्वेटर। तो देखो अर्थ का इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है बेसिकली। अर्थ का इक्वेटर मतलब अर्थ के बीचों बीच वाला पार्ट। सेलेस्टियल इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन मान लो स्काई के ऊपर, मतलब जैसे मान लो ये अर्थ हो गया, अर्थ का सर्फेस ये है, सर्फेस पर आपने ये मारा है, और मान लो आसमान देखते हो तो आसमान में मान लो आपने ये लाइट मारा है, मतलब इसी के ऊपर अगर हम देखते हैं परपेंडिकुलर है मान लो, ठीक है, इस तरीके से मान लो इस तरीके से है, तो हमने यहाँ पर मारा है उसको, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर मतलब अगर इस तरीके से राइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना अर्थ का जो इक्वेटर होता है वो सेलेस्टियल इक्वेटर के एग्जैक्टली नीचे होता है, मतलब दोनों हमेशा एक लाइन के अंदर होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमेशा आपको क्या होगा, एक पैरेलल पाथ दिखता है स्टार्स के मूवमेंट का इक्वेटर पे, ठीक है। देखो बस हल्का सा ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुद इक्वेटर पर प्रेजेंट है, ऑलराइट, इक्वेटर पे है, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, जो कि 2002 में पूछा गया था ना। क्वेश्चन सेज सन के आसपास में कभी कभी एक हेलो टाइप चीज़ दिखती है, सन है तो उसके आसपास में आपको दिखेगा ना ऐसे हेलो टाइप दिखता है, मतलब यू नो आसपास में एक उसकी चमकीला सा चीज़ दिखता है, वो क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। बट एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन कौन करता है, क्या वो वाटर वेपर जो कि स्ट्रेटस क्लाउड्स के अंदर होते हैं वो करते हैं, या फिर जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं सिरोक्यूमुलस क्लाउड में वो करते हैं, या फिर सिरस क्लाउड में जो आइस क्रिस्टल होते हैं वो करते हैं, या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है स्ट्रेटस क्लाउड में वो करते हैं, एग्जैक्टली कौन करता है। तो वंस अगेन ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर है सिर्फ सिरस क्लाउड्स जो होते हैं, सिरस क्लाउड उसके अंदर कुछ आइस क्रिस्टल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वही लोग सन के हेलो को मतलब बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब सन का ऐसा रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि वो बेसिकली उसके आसपास में एक हेलो क्रिएट हो गया। कौन कर रहा है, सिरस क्लाउड, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में वैसे तो एक ब्राइट व्हाइट कलर का एक बन जाता है, बट कभी कभी उसमें कुछ कलर्स भी आते हैं, जैसे आप देखते हैं रेडिश कलर का हेलो बन जाता है, कभी येलोइश कलर का बन जाता है, तो वो सब भी यहाँ पर सिरस क्लाउड के कारण ही बनता है। मूविंग है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, दे आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्ट डायरेक्शन, क्या हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में ही उसको करेंगे, मतलब लॉन्च किए जाते हैं। देखो समझो ध्यान रखना, अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रैवल करता है जो भी ट्रैवल करता है ना। तो देखो अगर आप ऐसा कोई सैटेलाइट लॉन्च करोगे जो अर्थ के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप क्या करोगे नॉर्मल केसेस में, आप हमेशा अर्थ के मतलब यू नो रोटेशन के साथ ही मूव करते हो, जिस तरफ अर्थ का रोटेशन हो रहा है ना उस तरफ क्या होता है आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स भी मिलता है, एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है अर्थ की ग्रेविटेशन की तरफ से, मतलब अर्थ का जो मूवमेंट है उसकी तरफ से। सो बिकॉज ऑफ दैट ऐसा देखा गया है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जितने भी हैं वो हमेशा ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम वो ईस्ट डायरेक्शन में ही मतलब वो किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, सो दैट उसको अर्थ से हेल्प मिल जाए। नो रीज़न दिया हुआ है कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो द सैटेलाइट्स अटेन द एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वेलोसिटी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, कितनी वेलोसिटी हमें चाहिए अगर हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलनी हो तो। सो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने का यू नो अर्थ के डायरेक्शन के साथ कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है, तो आर यहाँ पर रॉन्ग हो गया, आर अगर रॉन्ग है इसका मतलब क्या, आंसर इज चार्ली, ठीक है, मतलब एज टू आर इज फॉल्स। सिंपल वर्ड्स में समझो, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमेशा ध्यान रखिएगा ईस्टर्न साइड से मूव करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली अर्थ का जो डायरेक्शन है वो ईस्टर्न साइड पे है, मतलब मूवमेंट ईस्टर्न साइड में है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए। नाउ वो इसलिए करता है ताकि जियो सिंक्रोनस बन जाए, मतलब अर्थ के मूवमेंट के साथ में वो रॉकेट का मूवमेंट जो है वो भी वहाँ पर कंबाइन हो जाए। स्कोप वेलोसिटी की बात करें, स्कोप वेलोसिटी या तो 1.2 मीटर पर सेकंड है या फिर 9.8 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी तो वो क्या करेगी, एटमॉस्फेयर की जो एटमॉस्फेयर है उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको पार करते हुए निकल जाएगी बाहर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ना, मतलब ये जो बेसिकली हमारा स्केप वेलोसिटी है, ये हम रॉकेट के बूस्टर के साथ मतलब इसको पार कर लेते हैं, मतलब रॉकेट का बूस्टर चाहिए होता है, इसके लिए आपको किसी भी टाइप का यू नो डायरेक्शन ऑफ द लॉन्चिंग सैटेलाइट ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आई होप ये चीज़ आपकी प्रॉपरली क्लियर है। मूविंग है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, जो कि 2002 के अगेन फिर से पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से इनमें से कौन सी चीज़ें सही हैं। पहला स्टेटमेंट इज अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, क्या अर्थ सबसे डेंसर प्लैनेट्स है, येस द आंसर इज येस, यानी कि सबसे कम डेंसर प्लैनेट सैटर्न होता है और सबसे ज़्यादा प्लैनेट होता है जो सबसे ज़्यादा डेंसर होता है अर्थ होता है। और ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है, आई होप आप समझ पा रहे हो, ये बहुत ही यू नो टू द पॉइंट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी पूछता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन, क्या सिलिकॉन होता है, ध्यान कीजिए थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था ओ साई में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ओ यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि अगर क्रस्ट के बारे में पूछता है तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और अगर सिंपल ओवरऑल अर्थ के बारे में पूछता है तो आयरन हो जाएगा, यानी कि आयरन भी सबसे लार्जेस्ट होता है अगर ओवरऑल आयरन के बारे अगर ओवरऑल अर्थ के बारे में पूछा जाए तो। बट यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है अर्थ की क्रस्ट के बारे में, तो बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओ साई होगा, सिलिकॉन पहले नहीं आएगा।
थर्ड बोलता है सन कंटेन 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम. नो स्टॉप, तो 75% का मतलब है कि बाकी फिर 25% कहाँ गया. सन इतना ज़्यादा बड़ा है कि मास की अगर बात करें जितने भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, देखो कन्फ्यूज मत होना यहाँ पर, अगर आप ब्लैक मैटर वगैरह सोच रहे हो तो वो गलत है, अगर आप डार्क मैटर वगैरह सोच रहे हो तो गलत है, बिकॉज डार्क मैटर का कोई मास नहीं होता, न्यूट्रॉन्स का मास नहीं होता, बस इतना ध्यान रखिएगा. तो अगर मास की बात करें तो सन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मैटर होता है जिसके पास मास है उसके पास ही बेसिकली हमेशा सिर्फ वो होता है, मतलब यू नो वेट होता है, जिसके पास वेट है उसके पास मास है, जिसके पास मास है उसके पास वेट है, बस इतना ध्यान रखिए. तो क्या सन 75% मास रखता है पूरे सोलर सिस्टम का? आंसर इज नो, 75% बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 99% जो मास है हमारे सोलर सिस्टम का वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, ध्यान रखिएगा, मोर देन 99%. फोर्थ बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स आउट ऑफ द अर्थ. नहीं देखो इतना बड़ा भी नहीं है सन, ध्यान रखना ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बड़ा तो है, बट 190 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 200 टाइम बड़ा, 200 गुना बड़ा भी नहीं है सन, ऑलमोस्ट 110 टाइम्स यू नो लार्जर है सन एज कम्पेयर टू अर्थ. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, द सही स्टेटमेंट क्या हो गया कि अर्थ जो सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है इन द एंटायर सोलर सिस्टम. ऑल राइट, सो अगर हम बात करें डेंसिटी की, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की है. अब अर्थ की डेंसिटी के अलावा अगर बाकी चीज़ देखो तो बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल है. अर्थ के बाद किसकी है? अर्थ के बाद मरकरी की है, फिर वीनस की है, फिर मार्स की है, फिर जुपिटर की है, उसके बाद सैटर्न की है, फिर उसके बाद फिर यूरेनस की है, और फाइनली नेपच्यून की है. मतलब अगर आप अर्थ को बाहर निकाल दें इस लिस्ट से तो उसके बाद बाकी सारा लिस्ट जो है बिल्कुल ऑर्डर में चलता है, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरीके से मूव करता है. नाउ सबसे प्रीडोमिनेंट एलिमेंट जैसा मैंने बताया क्रस्ट की बात पूछे तो ऑक्सीजन होगा, ओवरऑल आयरन होगा. यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन में सिलिकॉन दिया हुआ था, वो यहाँ पर गलत ऑप्शन है. नाउ सन का डायमीटर ऑलमोस्ट 109 टाइम्स बड़ा है अर्थ से, 190 टाइम्स बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा. देखो 109 को यहाँ पर खेला गया है, 109 को 190 कर दिया गया है, इतना ध्यान रखिएगा. यूपीएससी इतने छोटे छोटे डेटा फैक्ट वगैरह मिसमैच करता रहता है. ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 2003 के अंदर पूछा गया था. द क्वेश्चन सेज अमंग द फॉलोइंग व्हिच प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. रेवोल्यूशन टाइम सबसे बड़ा किसका है? सबसे बड़ा टाइम ध्यान रखिएगा जुपिटर का है, बिकॉज सबसे दूर भी वही है. देखो अर्थ, जुपिटर, मार्स, वीनस, सबसे दूर कौन सा है? जुपिटर, सिंपल. नाउ अर्थ और मार्स में थोड़ा सा कंपैरिजन देखो, अर्थ को 365 दिन लगते हैं, 365 डेज लगते हैं अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, और मार्स को ऑलमोस्ट 687 डेज लगते हैं. क्या हम कह सकते हैं कि मार्स का एक साल जो है वो अर्थ के एक साल से लगभग दो गुना बड़ा है? ठीक है, मतलब मार्स का एक साल जो है ऑलमोस्ट ट्वाइस एज लॉन्ग है एज कम्पेयर टू अर्थ का एक साल. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, मार्स को एक साल कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट डबल लगता है जितना अर्थ को लगता है. ऑलराइट, अगर जुपिटर की बात करें, जुपिटर जो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ध्यान रखिएगा, और सॉरी लार्जेस्ट प्लैनेट है बट फिफ्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन इस तरीके से, और लार्जेस्ट और गैस का बना हुआ, गैस का बना हुआ इसका मतलब क्या 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 जुपिटर के पास बिल्कुल भी कोर प्रेजेंट नहीं है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है. जुपिटर जो है उसके पास एक रॉकी कोर प्रेजेंट है, मतलब उसका जो कोर है वो रॉक्स का डेफिनेटली बना हुआ है, जो कि हैवी एलिमेंट्स का बना हुआ है, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर सॉलिड सरफेस नहीं है. सॉलिड सरफेस नहीं होने के कारण क्या होता है, जुपिटर को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उसके पास कोई सरफेस ही प्रेजेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए. ठीक है, ऑलराइट, मूविंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 के अंदर पूछा गया था. द क्वेश्चन सेज, एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोलता है द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ. क्या चीज़ सही है कि हमें हमेशा हम मून का सेम फेस देखते हैं? आंसर इज येस, दिस इज सही. सेकेंड रीजन क्या बोलते हैं, द मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सेस इन 23.5 डेज, विच इज अबाउट द सेम टाइम दैट इट्स टेकन टू ऑर्बिट द अर्थ. देखो एक चीज़ ध्यान रखो, बाकी सब तो ठीक है, बट यहाँ पर डेटा के साथ यहाँ पर मिसमैच क्या गया. वन सेकेंड, 23 दिन नहीं लगते, ऑलमोस्ट 27.5 दिन लगते हैं. जितना टाइम अर्थ को लगता है अपना एक ट्रैवल कंप्लीट करने में, उतना ही टाइम यहाँ पर मून को लगता है. ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम लगता है, बट ये 23.5 डेज नहीं है, 27.5 डेज है. ऑलराइट, तो अगर आप देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब आर इज फॉल्स, आंसर शुड बी चार्ली. ऑलराइट, इट इज चार्ली. देखो हम हमेशा मून का सेम सरफेस देखते हैं, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मून का तो रेवोल्यूशन टाइम है, मतलब मून जब अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है वो सेम है एज कम्पेयर टू अर्थ का जो रोटेशन टाइम है, मतलब कि ऑलमोस्ट 27 दिन के आसपास में, मतलब बस इतना ध्यान रखिए. देखो मून जो है अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहा है, और मून जो है अपने खुद के एक्सेस के आसपास रोटेशन कर रहा है, मतलब घूम भी रहा है. ये दोनों का जो टाइम पीरियड है लगभग 27 दिन के आसपास का है, बट यहाँ पर कह दिया था मतलब 23.5 दिन के आसपास, दैट इज़ वाई इट वॉज रॉन्ग. ऑलराइट, तो एक ऑब्जर्वर जो कि मून को लगातार ऑब्जर्व कर रहा है उसको हमेशा सेम ही सेट दिखेगा मून का. हमारे मून के सरफेस का सिर्फ 58% दिखता है, ऑलमोस्ट 41% जो है वो कभी दिखता नहीं है मून के सरफेस का, बस इतना ध्यान रखिएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑलराइट, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 24 2005 के अंदर पूछा गया था. द क्वेश्चन इज एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल. क्या वीनस के ऊपर ह्यूमन लाइफ नहीं रह सकती? आंसर इज येस, सही स्टेटमेंट है, नहीं रह सकती. रीजन स्टेटमेंट बोला हुआ है दैट वीनस इज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है? आंसर इज येस. सो दोनों सही हैं, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी प्रेजेंट है.
वीनस के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पहले चीज़ तो वीनस के अंदर CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ का एटमोसफेयर बहुत ही हॉट एंड बहुत ही थिक बन गया है, जिसके कारण वहाँ पर क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड जिस तरीके देखो, रेनफॉल जब हमारे यहाँ पर होता है तो क्या गिरता है, वाटर गिरता है, स्लीट गिरता है, स्नो गिरता है, राइट, हिल्स गिरते हैं, ये सब गिरते हैं। बट अगर सेम चीज़ यानी कि जो बेसिकली यू नो वीनस है, वीनस पे अगर बारिश होती है तो वहाँ पे क्या गिरता है, सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। नाउ वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ही कम प्रेजेंट है, बिकॉज सारा का सारा पानी जो है सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो दैट इज़ वाई ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वीनस के ऊपर क्यों लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। आपको याद होगा पीछे हमने क्वेश्चन देखा था मार्स वाला, तो मार्स के ऊपर अगर हमें लाइफ सर्वाइव करवानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, वहाँ पर पानी चाहिए यानी कि वाटर चाहिए। तो वहाँ पर आइस कैप्स की बात कर रहे थे, फ्रोजन ग्लेशियर्स की बात कर रहे थे। सेम थिंग गोज फॉर वीनस। वीनस में अगर हमें लाइफ सर्वाइव करानी है तो हमें वही सेम चीज़ें चाहिए, मतलब हमें सबसे पहले तो आइस कैप चाहिए, फ्रोजन ग्लेशियर्स वगैरह चाहिए। बट बिकॉज ये सब चीज़ें वहाँ प्रेजेंट नहीं है एंड दैट इज़ वाई वीनस के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑलराइट, मूविंग अहेड, 2005 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23.5 टू द ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। क्या ज्योग्राफिक एक्सिस पे हम प्रेजेंट, क्या हम टिल्टेड है? आंसर इज नो। यानी देखिएगा, हमारा जो प्लेन है, अर्थ का प्लेन है, उसके ऊपर यानी कि 30.5 डिग्री घुमा रहता है। देखो ध्यान से देखो, ये अर्थ है, अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस ये है, तो क्या हम इसके एक्सिस पे मतलब हम टिल्ट होते हैं या फिर इसके एक्सिस पे टिल्ट होते हैं? ध्यान रखिएगा, तो हम ऐसे टिल्ट होते हैं। दिस इज़ वॉट वी आर डू। ये है 23.5 डिग्री का टिल्ट जो है वो प्लेन के साथ में, हमारे ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ में नहीं है, तो दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वो नॉर्दर्न कनाडा के अंदर प्रेजेंट है। आंसर इज यस। देखो ये अगर अर्थ है, ध्यान रखिएगा, दिस पार्ट इज यहाँ पर आर्कटिक और दिस पार्ट इज, देखो अगर ध्यान से देखो तो दिस इज कनाडा, दिस पार्ट इज कनाडा, और हमारा नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर टेक्निकल यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर ये अर्थ है तो ये मत समझ जाए कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा होता है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पे आर्कटिक है, ध्यान रखिए आर्कटिक के अंदर नॉर्थ पोल नहीं है, बट कनाडा के अंदर बेसिकली नॉर्थ पोल यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पेशली मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो कनाडा के अंदर प्रेजेंट है। आंसर इज गेस। ध्यान रखना, कनाडा के अंदर एक एलिसमेर आइलैंड है, एलिसमेर आइलैंड, वहीं माना जाता है कि वहीं एलिसमेर आइलैंड पर नॉर्दर्न पोल प्रेजेंट है अर्थ का। सेकेंड क्वेश्चन ये है, थर्ड स्टेटमेंट ये है कि अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर जो है वो भारत में थुम्बा नाम के एक प्लेस से मूव करता है। थुम्बा कहाँ पर? केरला में है। अब जानते हैं थुम्बा एक स्पेस सेंटर भी है जहाँ से सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च किया जाता है। ऑलराइट, सो क्या थर्ड स्टेटमेंट सही है? द आंसर इज यस। यानी रखिएगा, फर्स्ट को अगर आप जैसे बाहर निकालोगे, देखो फर्स्ट बाहर निकलते हैं आपका ये हो गया ना, ऑप्शन इज 2, 3, 2 एंड 3। सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है, द आंसर विल बी व्हाट, ट्रैवल। ऑलराइट, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल कहाँ पर है, नॉर्दर्न कनाडा में है। नॉर्दर्न कनाडा में एक एलिसमोर आइलैंड करके हैं, वहीं पर ये चीज़ प्रेजेंट है। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक पोल हमेशा पूरी जिंदगी हमेशा एक जगह पर नहीं रहता है, वो लगातार चेंज करता रहता है, बिकॉज अर्थ की कोर का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी लगातार चेंज होता रहता है। अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर की अगर हम बात करें तो वो साउथ इंडिया में थुम्बा जो केरला के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ से पास ऑन भी करता है। थुम्बा में एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी प्रेजेंट है। ऑलराइट, सो मूविंग हेड, क्वेश्चन नंबर 26 वन सेकेंड 2005 में पूछा गया था। द क्वेश्चन इज, टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ ऑलमोस्ट 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कई सही है। ऑलराइट, देखते हैं थोड़ी देर में। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि रेशियो ऑफ लैंड एरिया टू वाटर एरिया जो है ऑलमोस्ट 1:4 है। तो 1:4 का मतलब क्या हुआ? 1:4 का मतलब है कि अगर 100% है तो उसमें से नो देखो 1:4 का मतलब हो गया टोटल 5 पार्ट्स है, मतलब 20 पार्ट जो है लैंड है और 80 पार्ट जो है वो वाटर है। क्या इतना ज़्यादा वेरिएशन है? आंसर इज नो। रियलिटी क्या है? 71% एंड 29%। 71% क्या है? वाटर है। 29% क्या है? लैंड है। तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं, 71:29, मतलब ऑलमोस्ट मान लो आप कह सकते हो 3/4 जो है वो वाटर है। मतलब अगर इसका 1:4 को चेंज करके 1:3 कर दिया जाए तब ये आंसर सही हो जाएगा, बट बिकॉज यहाँ पर 1:4 दिया हुआ है तो बिकॉज ऑफ दैट दिस स्टेटमेंट गोज रॉन्ग, ये बाहर हो गया। ठीक है, ऑलराइट। नाउ थर्ड बोल रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ का वाटर पैसिफिक ओशन में है। आंसर इज यस। बात सही है। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या पहला और थर्ड स्टेटमेंट दोनों सही है? आंसर इज यस, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। बिकॉज हमने देखा पहले तो टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ कितना है, ऑलमोस्ट 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो ये सही है। सेकंड, मैं सबसे ज़्यादा पानी कहाँ प्रेजेंट है? पैसिफिक ओशन के अंदर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर है 1:3 होना चाहिए था, वो 1:4 नहीं, मतलब 1:3 होना चाहिए था, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ऑलराइट, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 वंस अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है, ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के आसपास चक्कर लगाने के लिए द प्लैनेट मार्स टेक्स लेसर टाइम देन दैट ऑफ द अर्थ।
क्या वो कम टाइम लेता है मार्स? याद कीजिए थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया और PYQ उसको कैसे रिपीट हो रहे हैं, आई होप आपको इसे ही समझ आ रहा होगा। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्स कितना टाइम लेता है यहाँ पर अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाने के लिए। नाउ अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कि मार्स ऑलमोस्ट डबल टाइम लेता है अर्थ से चक्कर लगाने के लिए, मतलब अर्थ का एक साल में ख़त्म होता है, बट मार्स का एक साल जो है अर्थ के 2 साल के बराबर है, मतलब मार्स कहीं ज़्यादा टाइम लेता है, लेस टाइम तो बिल्कुल नहीं लेता। मतलब ए गलत हो गया, ये अगर गलत हो गया तो आंसर ऑटोमेटिकली डेल्टा आ जाएगा। सेकंड क्या है, डायमीटर ऑफ द मार्स इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। क्या मार्स अर्थ से छोटा है? याद कीजिए सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूनस, फिर नेपच्यून, नाउ उसके बाद अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स। मतलब मार्स तो बहुत छोटा है, मार्स सिर्फ मरकरी से बड़ा है, ध्यान रखिएगा मार्स काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर विल बी ए इज फॉल्स बट आर इज श्योर। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ रही है एंड व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग दैट इज मेकिंग सेंस टू यू। ऑलराइट, मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं जो कि 2007 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, अर्थ और सन के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है। इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का यहाँ पर डिस्टेंस है जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज द अदर 3 सिटीज। चार दिए हुए ऑड वन आउट ढूंढना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से इनमें से GMT के वो प्रेजेंट है। देखो बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखो UK, पोर्टुगल, घाना, यूथोपिया, इसे छोड़ दो, बस कंट्रीज देखो। अगर मैं बोलूँ आपको, देखो ऊपर यूरोप है, ठीक है, नीचे अफ्रीका है, सो क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि UK, पोर्टुगल, ये दोनों यूरोप के अंदर प्रेजेंट है, और घाना और इथोपिया। अगर आप घाना और इथोपिया की बात करते हो, इथोपिया जो है वो अफ्रीका के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में प्रेजेंट है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो GMT से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। बस इतना ध्यान रखिए, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो इथोपिया वाला पार्ट है वो GMT के आसपास भी नहीं है, मतलब बाकी तीनों जो है उनका टाइम होगा वो आसपास होगा, बट इथोपिया का टाइम जो होगा बहुत दूर होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि 2008 में पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन सबसे पास में कौन सा स्ट्रेट है? मलक्का स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो ध्यान रखना है इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे पास में बेरिंग स्ट्रेट प्रेजेंट है। बेरिंग डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट भी है, बिकॉज देखो बेरिंग स्ट्रेट के अगर बारे में अगर आपको बात करना हो तो बेरिंग स्ट्रेट जो है, देखो मान लो लेट्स से दिस इज यहाँ पर अलास्का वाला पार्ट, सॉरी दिस इज यहाँ पर रशिया वाला पार्ट एंड दिस इज यहाँ पर अलास्का यानी कि USA। सो ये वाला जो स्टेट है ना, चूँकि रशिया को बेसिकली USA से डिफाइन करता है, मतलब ब्रेक करता है, उसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। सो अगर मैं आपसे पूछूं बेरिंग स्ट्रेट कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर वाटर को, वो मतलब ओशन को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान है तो यहाँ पे आर्कटिक ओशन प्रेजेंट है और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट यहाँ पे बेरिंग सी जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, इसे मैं बता देता हूँ। सो बेरिंग सी क्या करेगा, बेरिंग सी अलास्का और रशिया को अलग अलग करता है और आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी को जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का की अगर हम बात करें, सो इफ दिस इज इंडिया तो दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग, सारे जो साउथ ईस्टर्न आइलैंड्स हैं वो यहाँ पर देखो, दिस इज कॉल्ड एस मलेशिया एंड दिस इज सुमात्रा। ठीक है, मलेशिया सुमात्रा और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच का जो प्लेस है ना, जो कि एक्चुअली दो बड़े इंपॉर्टेंट रिवर्स को जुड़ता है, एक तरफ यहाँ पे जावासी है और इस तरफ क्या है, इस तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल, इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड करता है स्ट्रेट। सो मलक्का स्ट्रेट जो है इन दोनों को डिवाइड करता है। ओके, बिफोर दैट स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट बेसिकली एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होता है, मतलब पतली सी पानी की गली, क्योंकि बड़े बड़े दो बहुत बड़े पानी के जो समंदर है उनको अलग अलग करते हैं, उनको स्ट्रिप बोला जाता है, उनको बेसिकली स्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, सो बेरिंग स्ट्रेट आप समझ गए, मलक्का स्ट्रेट आप समझ गए, मूविंग ऑन जिब्राल्टर स्ट्रिप देखते हैं। देखो इफ दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका, ठीक है, दोनों के बीच में ये वाला पार्ट जो प्रेजेंट है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से अलग करता है दिस पर्टिकुलर पार्ट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बस इतना ध्यान रखिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहीं प्रेजेंट है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक तरफ स्पेन, एक तरफ अफ्रीका, अफ्रीका में कौन सी कंट्री है, मोरक्को, स्पेन और मोरक्को के बीच में प्रेजेंट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करती है और मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से बेसिकली कनेक्ट करती है। मूविंग अहेड नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहाँ प्रेजेंट है, ऑब्वियसली देखो इफ यू नो तो दिस इज हाउ USA लुक्स लाइक, इस तरीके से ये बीच में ना बहुत बड़ा गैप खाली है, यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स है, ये वाला पार्ट जो है ना इसको यहाँ पर गल्फ ऑफ फ्लोरिडा बोला जाता है, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा। सो गल्फ ऑफ फ्लोरिडा की अगर बात करोगे तो एक तरफ गल्फ ऑफ मेक्सिको, एक तरफ अटलांटिक ओशन, दोनों को कनेक्ट कर देता है, उसे जो गल्फ ऑफ फ्लोरिडा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होने चाहिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पे और कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर किसी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो भी हमें मालूम होनी चाहिए, बिकॉज वो सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं UPSC एग्जामिनेशन के अंदर।
ऑल राइट, मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, जिसको 2009 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, फिर मून्स, कौन से प्लैनेट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स होते हैं, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, वीनस। आंसर इज सैटर्न, सैटर्न के सबसे ज्यादा मून्स होते हैं। ये वाला आपको चार्ट याद रखना है। देखो सन से सबसे पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी, बट मर्क्यूरी इतना ज़्यादा गर्म होता है बिकॉज ऑफ सन, वो अपना कोई मून फॉर्म नहीं कर पाया, कोई भी छोटी मोटी बॉडी जो मर्क्यूरी के आसपास थी वो या तो मर्क्यूरी के अंदर मर्ज हो गई है या फिर सन के अंदर मर्ज हो गई है। वीनस के अंदर भी कोई मून नहीं है, सेम रीज़न सन के कारण। अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक मून है, बहुत बड़ा रीज़न अर्थ सन के कारण, बिकॉज कोई और सर्वाइव नहीं कर पाया। मार्स के पास दो मून्स है, फोबोस एंड डीमोस, यानी कि फोबोस डीमोस मून्स है मार्स के। जुपिटर के पास यानी कि 79 मून्स है, सैटर्न के पास 82 मून्स है। सैटर्न के मून्स ज़्यादा कैसे हैं जुपिटर से, रीज़न इज रिंग्स ऑफ सैटर्न, सैटर्न के आसपास रिंग्स है, और रिंग्स के कारण क्या होता है, वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को बनाती रहती है, मतलब सैटर्न जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स को बनाती रहती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सैटर्न के मून्स जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जुपिटर। यूरेनस में 27 है, नेपच्यून में 40 है। तो अगर मैं आपको एक ऑर्डर बनाने को बोलूँ, क्या मैं ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सैटर्न का है, एक बार सैटर्न को अगर बाहर निकाल दो फिर बाकी ऑर्डर में चलता है, तो उसके बाद जुपिटर, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर यहाँ पर देखो तो फिर उल्टा मार्स, फिर और इस तरीके से, और मर्क्यूरी वीनस के तो कोई मून से नहीं है। सो आई होप आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई, जहाँ पर हम आर्टिफिशियल मून्स और उसके नंबर की बात कर रहे थे डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ में। मूविंग अहेड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, जो वंस अगेन 2009 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट अर्थ, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच मटीरियल्स, मतलब कोर किस चीज़ का बना हुआ है। तो आप जानते हैं जो क्रस्ट है वो सियाल का बना हुआ है, मेंटल साइमिक की बना हुई है, आउटर और इनर कोर जो है वो नाइफ का बना हुआ है। नाइफ का मतलब क्या होता है, निकल एंड फेरस। यहाँ पर देखो निकल ऑप्शन में नहीं है, मतलब फेरस मतलब आयरन ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा, आयरन ऑब्वियसली, आयरन से मिलकर बना हुआ है जो हमारा कोर है बेसिकली, ठीक है, इनर एंड आउटर कोर। मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 33 जो कि 2011 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 सेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड और कॉमेट के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स, ये छोटे छोटे रॉक के प्लैनेट्स हैं। आंसर इज यस। वाइल जो कॉमेट्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेस, क्या फ्रोजन गैसेस से मिलकर बने होते हैं, आपको याद होगा हमने कॉमेट्स को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। आंसर इज यस, ये फ्रोजन गैसेस, याद कीजिए ऊट क्लाउड वाला कंसेप्ट जो हमने बात की थी, ऊट क्लाउड। सो ऊट क्लाउड वाले कंसेप्ट से अगर आप कनेक्ट करोगे तो फ्रोजन गैसेस ही मिलकर बने होते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, क्या मार्स और जुपिटर के बीच मिलते हैं। आंसर इज यस। वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मर्करी, क्या ये वीनस और मर्करी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आंसर इज नो, बिकॉज ये बहुत दूर होते हैं, ऊट क्लाउड यानी कि जो हमारे प्लूटो से भी बाहर है, नेपच्यून प्लूटो सबसे बाहर है, क्यूपर बेल्ट से भी बाहर है, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया, सेकंड को अगर बाहर निकालोगे तो तीनों स्टेटमेंट हट जाएगी, तो आंसर विल बी ओनली 3। जस्ट सेकंड, सॉरी द आंसर विल बी 1 and 3, बिकॉज फर्स्ट भी सही है ना, फर्स्ट भी सही है एंड थर्ड भी सही है। ऑलराइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब हमने सेकंड को बाहर निकाला था, देखो ये बाहर निकला था और ये बाहर निकला था, ये और ये दोनों बचे हुए थे, और फर्स्ट ऑलरेडी करेक्ट था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एंड थर्ड सही है। थर्ड देखो क्या है, कॉमेट शो परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल, आपको याद हो कॉमेट से टेल शो करते हैं, वाइल एस्ट्रॉइड्स डू नॉट, एस्ट्रॉइड की कोई टेल नहीं होती, कॉमेट की टेल होती है। कैसे हमें याद है, याद है सन के कारण यहाँ पर एक एस्ट्रॉइड फॉर्म होता था, बेसिकली कॉमेट फॉर्म होता था, उसका एक पार्ट हेड कहलाता है, एक पार्ट टेल कहलाता है। टेल क्या होता है, जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो पीछे की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं, और जो डेंसर एलिमेंट होते हैं वो सन के कारण एक जगह पर जमा हो जाते हैं, राइट। दैट इज़ वाई यहाँ पर कॉमेट्स जो है वो एक टेल शो करते हैं, बट एस्ट्रॉइड की कोई टेल नहीं होती ऑब्वियसली। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे हैं। नाउ मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, पहला है रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर, और ओशन वाटर की डेंसिटी, और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द ओशन करंट, इनमें से कौन कौन है जो कि ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ क्या रोटेशन ऑफ द अर्थ करेगा, आंसर इज ऑब्वियसली, बिकॉज रोटेशन के कारण यहाँ पे कोरिओलिस फोर्स इमर्ज होता है, कोरिओलिस फोर्स, और वो जो कोरिओलिस फोर्स होता है ना वो अर्थ के रोटेट करने में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर है उसमें किसी भी चीज़ को राइट डायरेक्शन में मूव कर देता है, और जो साउथ हेमिसफेयर है वहाँ पर किसी भी चीज़ को बेसिकली लेफ्ट में मूव कर देता है। इसके अलावा जो एयर प्रेशर है, विंड प्रेशर है, ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज एयर प्रेशर और विंड के कारण ही एक्चुअली कोई भी पर्टिकुलर जो वेव्स हैं वो यहाँ पर करंट्स बननी स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, क्या ये सही है, तो आंसर इज यस। वंस अगेन देखो, जहाँ पे हायर डेंसिटी है वहाँ से वाटर जो मूव करेगा लोअर डेंसिटी तक, तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इन कम्स रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, नाउ अर्थ जो है वो सन के आसपास चक्कर लगा रहा है। नाउ इस चीज़ का क्या लेना देना है ओशन करंट से, कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर टाइड्स एंड मतलब यू नो टाइड्स की बात होती, जैसे नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, वहाँ पर ये कंसेप्ट आ जाता, बट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का यहाँ पर लार्जर सेंस में ओशन करंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। मूविंग अहेड 2012 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज
which one of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life on the earth? इनमें से कौन कौन से वो एलिमेंट्स या फिर गैसेस प्रेजेंट है जो कि अर्थ के लाइफ को फॉर्मेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे? पहला है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम. दूसरा है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. तीसरा है ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम. नाउ मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ से आप एक्चुअली कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय. नाउ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल पीओईक्यूज को करने के बाद आपको एक चीज़ समझ आएगा कि ऑक्सीजन जो है वो बिगिनिंग के टाइम में प्रेजेंट नहीं था, यानी कि जो सबसे पहले लाइफ फॉर्म हमारे यहाँ पे इमर्ज हुई है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हुई है, मतलब कि बिना ऑक्सीजन के उन्होंने रेस्पिरेशन किया है. तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन वाले ऑप्शन को हटा दो, ये दोनों हट गए. अब ये दो चीज़ें बचती हैं, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन पोटेशियम. अब नाइट्रोजन पोटेशियम में से क्या चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आंसर इज ऑब्वियसली नाइट्रोजन. जस्ट रिमेंबर, नाइट्रोजन यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो द आंसर विल बी ब्रेवो, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. ये तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि लाइफ को ओरिजिन करने में हमारे अर्थ के प्लैनेट अर्थ के ऊपर हेल्प किया था. और उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाइट्रोजन है ऑब्वियसली. ठीक है, ऑलराइट. जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह फॉर्म होते हैं इन सब चीज़ों से बनती है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सबसे बनती है. पर ध्यान रखिएगा, जब अर्थ फॉर्म हुआ था उस टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था यहाँ पे. जब प्लांट्स वगैरह आने स्टार्ट होंगे वो CO2 को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, तब जाकर ऑक्सीजन यहाँ पर निकलेगा. अभी ऑक्सीजन निकलना स्टार्ट नहीं हुआ है. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 36 2012 में पूछा गया था. क्वेश्चन बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटेड बाय द साइंटिस्ट एज एविडेंसेस फॉर द कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स. इनमें से कौन कौन चीज़ें जो हैं कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन को शो करती हैं? पहला, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस. माइक्रोवेव क्या होता है? हीट, सिंपल, टेम्परेचर. जब बिग बैंग हुआ था यानी कि जब अर्थ फॉर्म हुआ था, सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था, उस टाइम के कुछ टेम्परेचर अभी तक बचे हुए हैं, तो क्या उनका डिटेक्शन हमें शो करता है कि बिग बैंग अभी हो रहा है? ऑलराइट, देखते हैं थोड़ी देर में. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमिना इन स्पेस. तो एक चीज़ समझो, कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टार हमसे कितना दूर है, वो चीज़ कैसे मालूम चलेगा? वो चीज़ मालूम चलता है उसके ब्राइटनेस के कारण. जैसे जैसे वो हमसे दूर जाएगा क्या होगा? उसका ब्राइटनेस कम होता जाएगा. जैसे जैसे कोई चीज़ हमारे पास आएगी उसका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा. सो अगर किसी चीज़ का ब्राइटनेस कम हो रहा है तो क्या हम कह सकते हैं उसकी वेवलेंथ भी कम हो रही है? ध्यान रखिएगा, उसके वेवलेंथ से डायरेक्ट कनेक्शन बैठता है कलर का. नौ, किसी चीज़ की वेवलेंथ जो है जितनी लंबी होगी वो ऑब्वियसली रेड एंड की तरफ मूव करेगा, मतलब उसका स्पेक्ट्रम जो है रेड कलर का हो जाएगा. क्या हम कह सकते हैं रेड शिफ्ट फिनोमेना जो है वो शो करता है कि जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वो अर्थ से दूर जा रहे हैं. दूर जा रहे हैं इसका मतलब क्या है? वंस अगेन यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है. एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब है बिग बैंग थ्योरी जो है वो काफ़ी रिलेटेबल है. तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो गया. तो अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेकंड प्रेजेंट है, यहाँ भी सेकंड प्रेजेंट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है. नो, अब देखो थर्ड और फोर्थ को चेक करने का मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आई होप आप समझ पा रहे हो. ठीक है, थर्ड फर्स्ट को देखते हैं, क्या माइक्रोवेव्स का प्रेजेंस क्या यहाँ पर इस चीज़ को शो करता है? द आंसर इज गेस. देखो टेम्परेचर का जो चेंज है, टेम्परेचर का जो परसेप्शन है वहाँ पर, वो ये चीज़ शो करता है कि एक्जैक्टली बिग बैंग के समय से जो एवरेज टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हो रहा है. कूल डाउन चीज़ें कब होती हैं? जब चीज़ें दूर जाती हैं. तो ध्यान रखना, हॉट चीज़ें जो होती हैं वो कंपैरेटिवली पास आती हैं और उसके बाद फिर दूर जानी स्टार्ट करती हैं. जैसे दूर जाती है वैसे वैसे चीज़ें वो कूल हो जाती हैं, मतलब ठंडी हो जाती हैं. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. तो यहाँ पर आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 37 2012 में वंस अगेन पूछा गया था. क्वेश्चन सेज, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द स्पेस, मतलब स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, विच ट्रैवल एट स्पीड ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड, दे कैन सिवियरली हार्म लिविंग बींग्स इफ दे रीच द सर्विस ऑफ द अर्थ. मतलब जो स्पेस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर वो अर्थ के सर्विस तक पहुँच गए तो ऑब्वियसली बहुत लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे. तो क्या है जो कि उसको रोकता है, फिर प्रिवेंट करता है अर्थ के सर्फेस तक पहुंचने के लिए? पहला बोल रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको डाइवर्ट कर देता है पोल्स की तरफ? दूसरा बोल रहा है कि जो ओजोन लेयर है वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. तीसरा बोल रहा है कि जो मॉइस्चर है अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले लेयर में, वो उसको रोकता है नीचे तक पहुंचने के लिए. ऐसे इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है. सबसे एब्सर्ड ढूंढो, देखो थर्ड स्टेटमेंट सबसे फालतू है. बोल रहा है कि जो अपर लेयर में मॉइस्चर है वो मॉइस्चर उसको रोक लेगा? नहीं, बिकॉज देखो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इस मॉइस्चर को भी पूरी तरीके से इवेपोरेट कर देंगे. तो सी तो आंसर नहीं होगा. अगर ओजोन लेयर की बात करें तो क्या ओजोन लेयर यूवी रेस को काम नहीं करता? तो ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर का जो सारे का सारा काम है वो अल्ट्रावायलेट रेस के आसपास में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ए एंड डी बचता है. और ए बोलता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन सारे के सारे इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स को पकड़ करके पोल्स की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है. या फिर नन ऑफ दिस स्टेटमेंट, द आंसर विल बी अल्फा ऑब्वियसली. राइट, आई होप आपको ये चीज़ मालूम भी होगी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका मेन काम ही ये है कि उसको क्या करना है, जितने भी इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं उन सबको रिफ्लेक्ट बैक करना है. तो एक ही समझिए,
एक मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट के दो साइड्स होते हैं प्लस माइनस। अगर कोई दूसरा मैग्नेट उसके पास लाया जा रहा है और अगर वो प्लस उसके बगल में है तो क्या करेगा, मैग्नेट उसको रिपेल करेगा, मतलब सेम चार्जेस को रिपेल करते हैं। और इसी चीज़ के प्लस से ये है, इस तरफ अगर प्लस लाया जाएगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपोजिट चार्जेस जो अट्रैक्ट करते हैं सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं। ध्यान रखिएगा वंस अगेन, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं सेम टाइप के पार्टिकल्स अगर हम अपने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी डाल दें ऑटोमेटिकली उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। एंड दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स से कैसे डील किया जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड। ऑलराइट, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर लेट्स से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स है, नॉर्मली तो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको रोक लेते हैं, बट अगर वो रोक नहीं पाए तो बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में एक लाइट का फिनोमिना आता है, उसको कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस, जिसको नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और सदर्न लाइट्स यानी कि साउथ हेमिस्फेयर में क्या होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। तो ऑरोरा बोरियलिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में। ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 38 2013 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन इज द वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ द डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन इज ड्यू टू व्हाट। मतलब जैसे मान लो गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में दिन लंबे होते हैं, डेज आर लॉन्गर, नाइट्स आर शॉर्टर, राइट। सिमिलरली विंटर के सीजन में नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर, ऐसा क्यों होता है, लेंथ के डे में यू नो वेरिएशंस क्यों है। पहला बोला अर्थ के रोटेशन के कारण, सो मान लो अर्थ अगर घूम रहा है अपनी जगह पर तो अर्थ के घूमने के कारण तो डे एंड नाइट होता है, सो वेरिएशंस नहीं होते, राइट, फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकंड बोल रहा है अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन इलेक्ट्रिकल मैनर, ठीक है इसको देखते हैं थोड़ी देर में। थर्ड बोल रहा है लैटिट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द प्लेस, किसी प्लेस का लैटिट्यूड कहाँ पर है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि डे या नाइट क्या होगा, बट ये वेरिएशन नहीं शो करता ना। ये बात तो सही है कि यू नो लैटिट्यूड एंड पोजीशन है तो उसके कारण यू नो टाइम पता चलेगा, बट उसका वेरिएशन कैसे क्यों हो रहा है उसका रीजन नहीं है ये कि लैटिट्यूड एंड पोजीशन हो गया। एंड फोर्थ स्टेटमेंट बोलते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। अब देखो बी और डी में से कोई एक आंसर होना चाहिए बिकॉज सिमिलर लाइन्स पे। बी बोल रहा है कि अर्थ जो है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमता है, इसलिए हमारे जो सीजन है वो डिफरेंट होते हैं, लेंथ ऑफ डे एंड टाइम का डिफरेंस होता है। फोर्थ बोलता है बिकॉज हमारा अर्थ जो है टिल्टेड है तो उसके कारण ये चीज़ होती है, ऑब्वियसली द आंसर विल बी डेल्टा। बोल रहा है देखो अगर तो हमारा अर्थ सीधा होता इस तरीके से होता तो हर एक पार्ट ऑफ द अर्थ पे इक्वल डेज होते, इक्वल नाइट्स होते, ध्यान रखना, बट बिकॉज वो टिल्टेड है इसलिए कुछ जगह होती है जहाँ पर डेज लंबे होते हैं, नाइट छोटी होती है, और कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर नाइट लंबी होती है, डे छोटे होते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें प्रॉपरली समझ आ रही हैं। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 39 2015 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन इज गोल्डिलॉक्स जोन क्या होते हैं। पहला ऑप्शन वॉज द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सर्फेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हम कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं, क्या उसको गोल्डिलॉक्स जोन बोला जाता है। आंसर इज नो, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। सेकंड बोलते हैं रीजन इन साइड द अर्थ वेयर शेल गैस इज अवेलेबल, जहाँ शेल गैस प्रेजेंट है। आंसर इज नो। थर्ड बोल रहा है सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, यस अर्थ लाइक प्लैनेट्स को ढूंढा जा रहा है गोल्डिलॉक्स जोन में, ध्यान रखिए। और फोर्थ है मेटेराइट्स का सर्च करना। आंसर इज नो, आंसर विल बी चार्ली। ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो गोल्डिलॉक्स जोन का मतलब क्या है, अर्थ लाइक प्लैनेट्स, मतलब हमें अर्थ जैसे प्लैनेट्स ढूंढने हैं। अब कहाँ कहाँ पर ढूंढ सकते हैं, तो ऐसी जगह पर ढूंढना है जहाँ पर एक प्रॉपर बैलेंस मिले हमें कुछ केमिकल कंपोजिशन के बैलेंसेस वगैरह मिले। तो मेन एम क्या है, मेन एम यह है कोई ऐसी जगह ढूंढो जो कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो जैसे मरकरी है, वीनस है, ये सब ऐसे प्लेनेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। सेम चीज़ बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, और यूरेनस नेपच्यून सन से इतनी ज़्यादा दूर है कि वहाँ तक कभी सनलाइट पहुँचती ही नहीं है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन है वहाँ पर, तो ऐसे कोल्ड भी नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए सन और कोल्ड के बीच में। सो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड हियर, गोल्डिलॉक्स जोन का मतलब यहाँ पर ये है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझ आ गई। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। ऑन 21 जून सन कहाँ पर होता है, सिंपल वर्ड्स में 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखो डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल, क्या आर्कटिक सर्कल के नीचे नहीं जाता है, क्या सही है। ऑलराइट, देखिए थोड़ी देर में। सेकंड बोल रहा है डज नॉट सेट बिहाइंड अंटार्कटिक सर्कल, तो 21 जून है, एक चीज़ तो क्लियर है कि समर्स का टाइम चल रहा है, और समर्स कहाँ पर होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो एक चीज़ क्लियर है अंटार्कटिक सर्कल वाला तो नहीं होगा, मतलब ये चीज़ को हटा सकते हैं, अल्फा हो सकता है। थर्ड देखते हैं, थर्ड बोल रहा है वर्टिकली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ यू नो वर्टिकली ओवरहेड होता है इक्वेटर के। नाउ अगर आप जानते हैं तो इक्वेटर के ऊपर कब तभी होता है जब इक्विनॉक्स में होता है, ध्यान रखिएगा इक्विनॉक्स में होता है, जब वो बेसिकली 21 जून या फिर 22 सितंबर को होता है उस टाइम वो इक्विनॉक्स में नहीं, रादर वो यू नो सॉलिस्टिस में होता है, और सॉलिस्टिस में कभी भी वो इक्वेटर के ऊपर नहीं होता, मतलब ये भी चीज़ गलत हो गई। फोर्थ बोल रहे हैं वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वंस अगेन सेम चीज़, ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कब जाएगा, विंटर्स के टाइम में जाएगा, समर्स के टाइम में नहीं जाएगा, तो आंसर विल बी दैट इज वाई अल्फा। ठीक है, यानी कि आर्कटिक सर्कल के नीचे नहीं जाता है हमारा जो सन है उस पर्टिकुलर टाइम में, 21 जून को आर्कटिक सर्कल के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इस टाइम में सबसे लंबे दिन देखे जाते हैं, 21 जून जो है हमारे साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग।
मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 41 जो कि 2023 के अंदर पूछा गया था, रिसेंट क्वेश्चन है। वंस अगेन देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। द क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस, बोला जा रहा है सीफाइड्स क्या होते हैं, नेबुला क्या होते हैं, पल्सर क्या होते हैं, ये आइडेंटिफाई करना था। देखो पल्सर्स क्या होते हैं, पल्सर्स आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। जब भी देखो बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है, फ्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो जाता है तो क्या होता है, उसके बाद वो कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब अपने आपस में ही कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी कोलैप्सिंग की चीज़ को बोलते हैं पल्सर। मतलब एक स्टार जिसका फ्यूल खत्म हो गया उसको दोबारा फ्यूल नहीं मिल रहा है, अगर वो मरने जा रहा है, यानी कि एंड स्टेज ऑफ अ स्टार इज कॉल्ड एज अ पल्सर, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, नाउ सीफॉइड्स और नेबुला की बात करते हैं। सीफॉइड्स में मेंशन है क्या, एक जायंट क्लाउड्स है डस्ट और गैस का। आंसर इज नो। देखो वो होता है नेबुला। नेबुला क्या होता है, बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं जिसमें डस्ट और गैस वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। सीफॉइड्स क्या होते हैं, सीफॉइड बेसिकली ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि टाइम टू टाइम ब्राइटर होते हैं फिर डिम होते हैं, मतलब टिमकते रहते हैं। ठीक है, देयर कॉल्ड एज सीफॉइड्स। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सो आंसर क्या होगा, ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर, इसका मतलब है पल्सर सर तो ओनली करें। सीफॉइड्स और नेबुला का जो डेफिनेशन है उसको बेसिकली इंटरचेंज कर दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। हमने इसमें सारी की सारी क्वेश्चन जो कि पिछले 1996 के बाद पूछे गए हैं यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में, और सारी की सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर कर ली है। वी हैव ऑल्सो ट्राइड टू कवर इट सो एग्जॉस्टिवली कि इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं पर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छूटे ना। सो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आया होगा एंड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।